प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत आज विश्व शक्ति बनने की दिशा में तेज गति से अग्रसर है, जो पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ा रहा है। इसी का एक उदाहरण मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत के तहत रेलवे की परियोजनाएं हैं, जो तय समय सीमा के अंदर पूरी की जा रही हैं। मनोरम पहाड़ों की गोद में बसी देवभूमि हिमाचल प्रदेश देश विदेश के प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देवी देवताओं की ये भूमि सुंदरता के साथ ही ज्वाला जी, ब्रजेश्वरी देवी, कांगड़ा व माँ चामुंडा जैसे प्राचीन मंदिरों और आस्था केंद्रों के लिए सुप्रसिद्ध है। केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार के समन्वय से राज्य में अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं, जिनसे राज्य में प्रगति और यहां के निवासियों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय रेल की वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दी है। आज देश का रेल नेटवर्क आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, बायो वैक्यूम टॉयलेट, एलईडी लाइटिंग, हर सीट पर चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई इंफोटेनमेंट और वातानुकूलित ये ट्रेन सफर को अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी। इस ट्रेन में कवच जैसे एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम व सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो इसे अधिक सुरक्षित बनाते हैं। इसके अलावा ये ट्रेन इमरजेंसी टॉकबैक बटन सुविधा से भी लैस है, जिसके द्वारा यात्री क्रू से बात कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की पहचान और स्वदेश निर्मित ये वंदे भारत एक्सप्रेस अम्ब अंदौरा से नई दिल्ली तक चल यहाँ की कनेक्टिविटी को और अधिक मजबूत करने जा रही है। ये वंदे भारत ट्रेन श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों के आवागमन को सरल बनाएगी तथा इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने के साथ ही रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए राज्य को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में मेक इन इंडिया की पहचान वंदे भारत एक्सप्रेस अब देवभूमि हिमाचल और राजधानी दिल्ली के बीच परिवहन का आधुनिक एवं सुविधाजनक साधन प्रदान कर एक नया युग आरंभ करेगी।